कासगंज जनपद की पटियाली नगर पंचायत अध्यक्ष से बीजेपी की प्रत्याशी कंचन शाखे के पक्ष में मतदाताओं से वोट की अपील करने के लिए एटा लोकसभा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया एवं उनके साथ पूर्व विधायक ममतेश शाक्य और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बॉबी कश्यप बुधवार की दोपहर अपने काफिले के साथ पटियाली पहुंचे। उनके पटियाली पहुंचने से पूर्व बीजेपी के नेता और तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए कस्बे से 3 किलोमीटर दूर अदीपुर दादर पहुंचे और काफिले को रुकवाकर सांसद का फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जिसके बाद वे पटियाली पहुंचे। कस्बा के किला रोड स्थित रामलीला ग्राउंड में एक चुनावी सभा को आयोजित किया गया, जहां पूर्व विधायक ममतेश शाक्य, बॉबी कश्यप, जिलाध्यक्ष केपी सिंह और सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने मौजूद लोगों को बीजेपी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया और सरकार द्वारा दी गई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इसी दौरान सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, जिसे हमने जमीन पर लाकर उसे साकार किया है। हमने जातिवाद नहीं देखा, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। हमारी सरकार ने सभी धर्म सभी जातियों को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया है। यही कारण है जो हमारी सरकार को लगातार सफलता मिल रही है। इसी दौरान उन्होंने पटियाली से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंचन शाक्य के पक्ष में मतदान करने की अपील की। देखिए, हमारे सरकार ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, हमने उसको जमीन पर लाकर साकार किया है। हमने नहीं देखा ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। हमने किसी की जाति भी नहीं देखी, किसी की पार्टी भी नहीं देखी, किसी का धर्म भी नहीं देखा, और हमने बराबर का सहयोग अपने लाभार्थियों को दिया है। और यही कारण है कि लंबी सफलता 14 में 19 में 17 में 19 में 22 में जो मिली है, उससे भी अच्छी सफलता हमको 24 में मिलने वाली है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।